हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वेब फ्लो में कस्टम कर्सर को हम किस तरह से बना सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पे एक डिव, ठीक है, और आपने इसको रखना है बॉडी के बाद। इसको कर देंगे हम फ्लैक्स। सबसे पहले आप इसको दे दें क्लास, मैं दे देती हूँ कर्सर डैश रैपर की, ठीक है, और इसको आप कर दें फ्लैक्स सेंटर। देन आप इसको कर देंगे पोजीशन फिक्स्ड और यहाँ से फुल। जेड इंडेक्स भी दे दें ताकि ये किसी एलिमेंट के पीछे ना जाए, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे एक और डिव, यहाँ पे आप इसका नाम दे दें कर्सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, 27 पिक्सल विड्थ, यहाँ हाइट, ठीक है, और यहाँ मैं बॉर्डर दे देती हूँ 3 पिक्सल का इस कलर में, और ये मैंने रेडियस दे दिया, ठीक है। मैंने अपने कर्सर को कुछ इस तरह से स्टाइल किया है। आप जिस तरह से चाहें अपने कर्सर को स्टाइल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, रेडियस अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आना है इंटरेक्शन में और आपने यहाँ आना है प्लस के साइन पे और ये पहली वाली सेलेक्ट करनी है माउस मूव इन व्यू को, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस पे जाना है और यहाँ आप नाम दे दें कर्सर मूविंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इस कर्सर के डिव को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप इसको पहले हॉरिजॉन्टली मूव करवाएंगे -50 VW यानी व्यू पोर्ट, ठीक है। ये देखें अभी कर्सर यहाँ पर आ गया है। देन आप इसको यहाँ पे करवाएंगे 50 VW, तो ये कर्सर यहाँ से आप ले लेंगे इसको VW, ठीक है। तो ये कर्सर यहाँ पर आ गया है, जीरो पे ये यहाँ पर है, ठीक है, और प्लस पे VW पे 50 VW पे यहाँ पर है। इसी तरह आप Y में मूव करवाएंगे -50 VH, ठीक है, और यहाँ 100 पे 50 VH, ठीक है। -50 पे ये यहाँ है और 50 पे ये यहाँ है, ठीक है। आप इसको सेव कर लें और आप इसको प्ले करके देखें। देखें जहाँ जहाँ मैं कर्सर लेकर जाऊँगी तो ये कस्टम कर्सर भी मेरे साथ मूव करेगा, ठीक है। ये देखें, इसको पब्लिश करके देख लेते हैं। देखें मैं पेज पे जहाँ जहाँ मूव करूँगी अपने कर्सर को तो ये मेरे साथ वैसे ही मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये क्लिक नहीं कर रहा किसी भी चीज़ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा है इसके, यहाँ पे होवर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने वापसी आना है डिज़ाइनर में, ठीक है, और आपने लेना है इस वाली क्लास को, आपने यहाँ से करना है Ctrl+C कॉपी, और आपने यहाँ आना है पेज सेटिंग में, और यहाँ आने के बाद आपने स्टाइल के टैग में ये लिखना है, ठीक है, पॉइंटर डैश इवेंट्स नन, ठीक है। सिर्फ ये लाइन आपने ऐड करनी है और किस वाले रैपर पे, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे कर्सर रैपर पे। अब दोबारा हम इसको पब्लिश करते हैं, रिफ्रेश करूंगी, ये देखें अब ये होवर भी हो रहा है हमारे पास, ठीक है, और किसी भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।